गाइस आपको आए दिन 20 से 25 दिन के अंदर कोई ना कोई एक नई मूवी बॉक्स ऑफिस से आपको देखने को मिलती है। लेकिन गाइस कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस में केवल 2 या 3 वीक्स ही चल सकती है, लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती है जो इतिहास लिख जाती हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना जाती है, हिस्ट्री लिख जाती है। बात करें शाहरुख खान की मूवी पठान, एक ऐसी मूवी है जिसने हिस्ट्री लिख दिया, लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर। बात करें पठान का कलेक्शन के बारे में, तो गाइस शाहरुख खान की पहली पठान मूवी जिसने 540 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन कर लिया है। पठान मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, हिंदी बेल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पठान मूवी ने गुलफ से यहाँ पे 13 मिलियन US डॉलर कमा के केवल 50 दिनों के अंदर। बाहुबली 2 के 10 मिलियन US डॉलर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया बाहुबली 2 ने लाइफ टाइम में 10 मिलियन US डॉलर का कलेक्शन किया, जबकि पठान मूवी ने केवल 50 दिनों के अंदर 13 मिलियन US डॉलर कमा के इतिहास रच दिया। बजरंगी भाईजान 9 मिलियन कमाए थे, दंगल ने 8 मिलियन, सुल्तान ने 8 मिलियन, दिलवाले ने भी 8 मिलियन, KGF चैप्टर ने भी 8 मिलियन कमाए थे। गुलफ से अगर बात करें पठान मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अगर आप शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस पठान मूवी ने केवल यूके से 43 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, जी हां गाइस, और पठान मूवी बॉलीवुड की पहली मूवी जिसने 540 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन करके नंबर 1 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नंबर 2 पे दंगल मूवी, नंबर 3 पे संजू मूवी, नंबर 4 पे पीके, नंबर 5 पे सलमान खान की पहली मूवी टाइगर जिंदा जिसने 339 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर बात करें पठान को 8वां वीक बॉक्स ऑफिस पे स्टार्ट, पठान ने 8वें वीक के पहले दिन फ्राइडे को 20 लाख रुपए का इंडिया से कलेक्शन किया था, सैटरडे को 30 लाख का कलेक्शन किया था, संडे को 45 लाख का कलेक्शन करके पठान मूवी 8वें वीक के केवल 3 दिनों के अंदर 523 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कलेक्शन कर चुकी थी, जबकि तेमी तंगर मलन से फ्राइडे सैटरडे संडे को 1-1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। गाइस बात करें अब तक पठान केवल 54 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड में 1048 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अगर आप लोग पठान की कमाई को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते, तो पठान मूवी 128 मिलियन US डॉलर कमा के 2023 में जो टॉप 10 मूवी रिलीज हुई पूरे वर्ल्ड में, उनमें नंबर 9 पे आ चुकी है। पठान मूवी ऑल इंडिया लैंग्वेज 541 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें 523 करोड़ हिंदी बेल्ट में, और ओवरसीज ग्रास पठान मूवी का बाहर की कंट्री से अब तक 395 करोड़ हो चुका है। गाइस अगर बात करें तो झूठी में मकार बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ बुकिंग करती हमको नजर आ रही। इस मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ है। तो झूठी में मकार को 8 मार्च को सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया। श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी 2023 की सेकंड मूवी जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। तो झूठी में मकार केवल 12 दिनों के अंदर 166 करोड़ का कलेक्शन, अभी मूवी को रिलीज हुए 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो झूठी में मकार ने 14 दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में 185 करोड़ का हिस्टोरिकल कलेक्शन कर लिया है। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान को बॉक्स ऑफिस पे बुक माई शो पे 60,000 लोग इस मूवी की एडवांस बुकिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, पठान ने तो ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, लेकिन गाइस पठान मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल नहीं हुई, और हिंदी बेल्ट में सफल हो चुकी, लेकिन तेमिल तंगोर अमलन से रिकॉर्ड तोड़ने में सफल नहीं हुई। लेकिन शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान का अभी से मास प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पे सोना में लेके आएगी और बॉक्स ऑफिस की सारे रिकॉर्ड्स को पानी की तरह भाग के अपने साथ ले जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पठान मूवी इंडिया की नंबर 1 मूवी जिसने अपने ओपनिंग डेज में 57 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कमाई करके बॉलीवुड मूवी साउथ मूवीज के बॉक्स ऑफिस के ओपनिंग डेज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। पहले ये रिकॉर्ड साउथ मूवी के पास था। कनाडा फैक्ट्री KGF चैप्टर 2 53 करोड़ का हिंदी बेल्ट में ओपनिंग कलेक्शन लिया था। वहीं बात करें फरमास मूवी ने 36 करोड़ का कलेक्शन किया था पहले दिन नंबर 2। नंबर 4 पे RRR मूवी आती 20 करोड़ के साथ। नंबर 5 पे तू झूठी में मकार 2023 की सेकंड मूवी जिसे अपने पहले दिन 15 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन कर लिया था। गाइस अजय देवगन की मूवी भोला वो 2023 की सेकंड मूवी बन सकती है। अजय देवगन की भोला मूवी तू झूठी में मकार का अपने पहले दिन 15 करोड़ के कलेक्शन के रिकॉर्ड को 100% तोड़ेगी। नंबर 5 पे दिशम 2 आती 15 करोड़ के साथ ओपनिंग लेने वाली अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी। गाइस आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ भोला मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, पठान मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। वीडियो को लाइक कर दो। आज के लिए इतने बड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।